मात्र 15 व्यू डाल के आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और आप उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। ये काम कैसे करना है इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बगल में लाइव प्रूफ भी यहाँ पे दे सकते हैं। इस चैनल का नाम है अमृत वाणी सागर हिंदी। 52 वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइब यहाँ पर इसके हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको मैं नेक्स्ट चैनल और दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 63 वीडियोज में यहाँ पे 13.7K सब्सक्राइबर यहाँ पर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप अर्निंग प्रूफ भी यहाँ पे सोशल ब्लेड वेबसाइट से मैंने ये अर्निंग प्रूफ लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और एक ये अर्निंग प्रूफ है, एक ये अर्निंग प्रूफ है ना, इसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये रेट निकल के आपके सामने आता है। तो यहाँ पर इसकी अर्निंग भी काफी अच्छी खासी हो रही है। आप ऐसे चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ग्रो करना है, किस कैटेगरी में ये वीडियो आती है, कैसे आपको बनाना है, कैसे एडिटिंग करनी, कैसे थंबनेल आपको बनाना है, सब चीज मैं आपको एकदम इन डिटेल आपको बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। बस आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। और इस कैटेगरी कुछ बड़े चैनल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ जी बड़े चैनल हैं, ये भी है और ये भी है, ये बड़े चैनल है ना इस कैटेगरी के, और काफी पॉपुलर होती वीडियो है, लाखों करोड़ों में इन पे व्यूज आते हैं और काफी अच्छी खासी कमाई भी होती है। और जब आपका चैनल ग्रो हो जाए तो आप इसमें आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ये कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर, जो भी मैंने आपको ये 5-6 चैनल आपको दिखाए ना, तो इनकी जो पॉपुलर वीडियो पे आकर आपको क्लिक कर देना है। पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप उन टॉपिक पर अपनी वीडियो बना सकते हो। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आ जाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूट्यूब पर आ जाना है। यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ऑडियो बुक। यहाँ पर काफी ऑडियो बुक आ चुकी है, जैसे यहाँ पे 4 महीने के अंदर 8 लाख व्यू आए हैं, है ना। 1 मंथ के अंदर ही 2 लाख व्यूज आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। चैनल को मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ जरा। 5.5 सब्सक्राइबर 90 वीडियो के अंदर ही काफी अच्छे चैनल ये ग्रो कर रहा है। जो भी वीडियो आपको यहाँ पे पॉपुलर दिख रही है जिनमें लाखों हजारों लाखों में व्यूज है, करोड़ों में व्यूज है ना, तो आप उन टॉपिक पर वीडियो भी अपनी बना सकते हैं। ऐसा आप अपनी वीडियो टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको जाना है अमेजोन पर। अमेजोन में जितनी बेस्ट सेलर बुक है ना, आप उन पर भी अपनी वीडियो बना सकते हैं। हमको किस टॉपिक की वीडियो बनानी वो तो हमने पता कर लिया, और जो बुक का जो टैक्स होता है वो आपको कहाँ से मिलने वाला वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल को करना है ना ओपन। जिस भी बुक का आपको टैक्स है यहाँ पे आपको सर्च कर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं थिंक एंड ग्रो रिच PDF आपको सर्च कर लेना है। PDF सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं किसी भी एक पे चले जाता हूँ वेबसाइट पर, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा PDF हो रहा है डाउनलोड। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरा PDF तो हो चुका है डाउनलोड, अब इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। थिंक एंड ग्रो रिच यहाँ पे बुक पूरी मेरे लिख रहा चुकी है, यहाँ पे इसकी पूरी समरी लिख रहा चुकी है। आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, वो आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करके तब PDF बोलना है आपको। बस यहाँ पे मेरे इंग्लिश में लिख रहा चुकी है। यहाँ से आपको जितना भी टेक्स्ट चाहिए ना उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना। जैसे यहाँ से मैं इतना टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, इतना लेके यहाँ से आपको ये कॉपी यहाँ से कर लेना। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ और टेक्स्ट आप कहाँ से ले सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लिया गीगल ऐप, या आप कुकू FM को भी डाउनलोड कर सकते हो, गीगल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, और एक और ऐप है ये बुक के नाम से। ये तीनों ऐप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गीगल ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना अपनी ईमेल आईडी से। यहाँ पर आपको हर तरह की बुक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगी, पेड मिल जाएंगे। जो आपको पेड बुक मिले वो आपको गूगल से PDF उसको डाउनलोड कर लेना है, तब आपको उसका टैक्स यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बुक को कर लेता हूँ सिलेक्ट। इसको सुन भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। मैं रीड पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे इसका टैक्स निकल के आ चुका है ना, पूरी बुक का यहाँ पे टैक्स आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ से भी आप टैक्स कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी तो हो नहीं रहा है ना, यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से करके ले लूंगा। एक एप्लीकेशन है कॉपी टैक्स ऑन स्क्रीनशॉट के नाम, यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर की एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन जल्दी से। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टैब पे करना है क्लिक। इसको आपको हिंदी में कर लेना सेलेक्ट। तो यहाँ पर हम अपने स्क्रीन शॉट पे कर लेते हैं क्लिक। स्क्रीन शॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं क्रॉप। तो ऐसे करके आपको इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर से ओके कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टैक्स निकल के आ चुका है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इजीली। एक और नया फीचर, वहाँ से आप टैक्स ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर जाना है ना। यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना ऑडियो बुक, कोई भी आपको ऑडियो बुक ओपन यहाँ पर कर लेनी है आपको। अब क्लिक करने वाले यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे मैं मोर पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा ना। सो ट्रांसक्रिप्ट पे करना है क्लिक। इस वीडियो में जो भी बोला गया ना वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कौन से सेकंड पे क्या वर्ड बोले गए वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं। इनको भी आप कॉपी कर सकते हैं, इनका भी आप स्क्रीन शॉट खींच कर उस वाली एप्लीकेशन से इनका टेक्स्ट आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये इंग्लिश में, आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको हिंदी पे कर देना क्लिक। ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप उस वाली एप्लीकेशन से
टैक्स निकाल सकते हैं। ये काम करने बाद आपको वॉइस ओवर कैसे करनी है ना, वॉइस ओवर आप अपने ओरिजिनल भी कर सकते हैं, अपनी आवाज में वॉइस ओवर कर सकते हैं ना, नहीं तो आप इसमें एआई की हेल्प ले सकते हैं। अब एआई वॉइस का आप यूज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल को कर लेना ओपन, गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है 11 लैब्स के नाम से, है ना, 11 लैब्स के नाम से वेबसाइट है, इसको आपको करना है क्लिक। यहाँ पे एआई वॉइस आप फ्री में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है अपनी ईमेल आईडी से। यहाँ मैं गूगल से साइन अप कर लेता हूँ। जैसे आप गूगल साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको टेक्स्ट टू स्पीच भी है और स्पीच टू स्पीच भी है ना, यहाँ पे हमको जरूरत है टेक्स्ट टू स्पीच की। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा हिंदी में टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। जैसे आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी वॉइस देखने के लिए मिल जाती है ना, तो इनका भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। क्लिक करने में यहाँ पे आपको वॉइस सेटिंग पे करना है क्लिक। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा और लो ज़्यादा वो आप सेटिंग करना चाहते तो कर सकते हैं, ना छेड़ना तो ही बढ़िया है। यहाँ पर आप 2500 वर्ड यूज कर सकते हैं एक दिन में, और इसका भी आपकी 1-2 मिनट की वीडियो बन पाएगी। 10-15 मिनट की वीडियो कैसे बनानी है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं फ्री में एक दिन के अंदर, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। नेट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपकी थोड़ी देर बाद ही वॉइस जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वॉइस हो चुकी है जनरेट। यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ क्यों हम कुछ चीजों को बुरा समझते हैं और जो उसका उल्टा होता है उसे अच्छा समझते हैं। जब हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाते हैं जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तब कोई भी हमें सीधा या सही जवाब नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड इसको कर लेता हूँ। खाली 1 या 1.5 मिनट के बनके तैयार हो चुकी है ना, और आपको वीडियो बनानी 10 या 15 मिनट। तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप 2500 वर्ड यूज कर सकते हो एक दिन में। यहाँ पे आप कैसे आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं ना, आपको यहाँ पे 5-6 ईमेल आईडी बनानी है। 5-6 ईमेल आईडी बनाकर आप इस वाली वेबसाइट का यूज इजीली आप कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ। जैसे आपके घर में जितने फोन, जैसे आपके पापा का फोन, मम्मी का फोन, चाचा का जो भी फोन है, उनका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी यूज आप करके और इसमें वॉइस वगैरह ले सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर हमारी वॉइस भी बन के हो चुकी है तैयार। यहाँ पर आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप एआई वॉइस का यूज कर रहे हैं तो 2 वीडियो के बाद अपनी एआई वॉइस चेंज कर दें। यहाँ पर मैंने चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन है, वो आपको चेंज कर देनी है एआई वॉइस हर 2 वीडियो के बाद। अगर आप एक ही एआई वॉइस का यूज करोगे नहीं, आपको मोनेटाइज में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो हर 2 वीडियो के बाद अपनी एआई वॉइस चेंज कर दें, ये इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर आपकी वॉइस भी बन के हो चुकी है तैयार। अब मैं आपको बताता हूँ आपको थंबनेल कैसे क्रिएट करना है। थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई, वो आपको जाके देखने नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ आपको थंबनेल कैसे बनाना है। थंबनेल क्रिएट करने के लिए एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, एक पिकआर्ट एप्लीकेशन है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। साइड में आपको उसकी बुक की इमेज लगा देनी है और उसकी बुक के बारे में उसका बुक का नाम लिख देना है ना, कुछ ऐसे लाइन वगैरह लिख देनी जिससे व्यूअर क्लिक कर दे हमारी वीडियो पर। सिंपल आपको बैकग्राउंड रखना है, कम से कम टेक्स्ट रखने हैं और क्लिक बेट भी होना चाहिए थंबनेल। कैसे क्रिएट करा जाता है उसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई, वो आपको मैं एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको सब चीज़ डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एडिटिंग आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैं कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ एडिटिंग के लिए। यहाँ पर आप VN का भी यूज़ कर सकते हैं, इनशॉट का यूज़ कर सकते हैं या कनमास्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन में अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं VPN को ऑन कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं कैपकट को कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर करना है क्लिक। तो यहाँ पर मैं फोटो वाले ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक। फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं थंबनेल अपना ऐड कर लेता हूँ। जिस वीडियो आप थंबनेल बनाने वाले हैं उसी थंबनेल का आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस थंबनेल का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको पूरी वीडियो में यूज करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो क्लिप का यूज करना चाहते हैं या टेक्स्ट का यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप थंबनेल का यूज करेंगे तो ये काफी ज्यादा सिंपल रहेगा, काफी ज्यादा इजी रहेगा। आप आसान तरीके से अपनी वीडियो बना सकते हैं ना। जो आप थंबनेल जो भी आपने थंबनेल बना के तैयार कर लेना उसको यहाँ पे आपको ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। यहाँ पर आपको साउंड वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे आप साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे बगल वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। फिर आपको यहाँ पे डिवाइस वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऑडियो यहाँ पे आ चुकी है, इसको मैं कर लेता हूँ ऐड। तो ऐड करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऑडियो भी आ चुकी है, यहाँ मेरी वीडियो बन के हो चुकी है तैयार, है ना। तो लास्ट में आपको सब्सक्राइब का बटन लगा देना है। सब्सक्राइब का बटन लगाने के बाद आपको ये कर लेनी है एक्सपोर्ट। तो इसको आपको यहाँ से कर लेना है एक्सपोर्ट। हमारी वीडियो बन के हो चुकी है तैयार एकदम। अगर आप चाहते हैं इसके रेटिंग में आपको और बड़ी तरीके से सिखाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक आपको बना दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। अब हमारी वीडियो तो बनकर हो चुकी है, इसको आपको यूट्यूब पे कर देना अपलोड, है ना। अपलोड करने के बाद उसको आपको SEO वगैरह कर देना है,
SEO कैसे करते हैं वो उसको भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो करते लाइक चैनल को कर लें, सब्सक्राइब बेल आइकन पर कर लें प्रेस। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है इस कंटेंट को बनाने क्रिएट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, नहीं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।